जय भगवान। तुम लोग, आप लोग सब बहुत किस्मत वाले हो कि ये जय भगवान के, जो दादा भगवान के सानिध्य में ये आपकी शिविर हो रही है, और कुदरत का भी साथ है और चव्हाण साहब का भी साथ है। 22 अगस्त 2010 का दिन था, तो मेरी वाइफ ने सुबह बोला कि भाई कोई अमरेली से कोई आए हैं और उसकी घाट कोपर में शिविर है और वो पतला कर देते हैं। मैं बोला पतला कैसे होता है? तभी मेरा वजन था 101 किलो था अप्रोक्सीमेट। मैं बोला भाई हम लोग इतनी मेहनत करते, इतनी एक्सरसाइज करते थे, 25-25 साल से वॉकिंग कर रहे, रोज़ सुबह 1 घंटा योगा कर रहे, तो भी हम पतले तो नहीं हो रहे, तो ऐसे कौन है कि जो फ्री में पतला कर देता है? मैं बोला ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, चले जाते हैं और अपने को नहीं जाना है। तो अरे बोलती है फ्री में, चलो। मैं बोला फ्री है तो एक टाइम जाके आते हैं। तो फ्री का सुन के मैं लालच से वहाँ पर गया। 22 अगस्त 2010 का दिन था और 23 अगस्त को रक्षाबंधन थी, तो मैं बोला चलो एक दिन छोड़ के 24 अगस्त में ये नवी प्रयोजन प्रथा में आना चालू हो गया। उनका ये सब सुन के चलो भाई कुछ करते, इतना मेहनत किया, इतना खाया, इतना पिया, इतनी एक्सरसाइज की, इतनी योगा किया, कुछ ना कुछ जो भी नहीं कर सके वो भी करना चाहा और किया, और उसके बाद भी वजन कम नहीं हुआ। तो मैं बोला चलो वजन कम करने के लिए, फिर उस 2010 24 अगस्त से मैंने आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने ये नियम को नहीं किया है। पूरी दुनिया में घूमता हूँ, दुनिया घुमाता हूँ लोगों को। हम लोग खाने पिलाने में बहुत फेमस है, अगर कोई जानते होंगे हम हिना ट्रैवल्स को, मगर हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। और रात को कभी कभी एक दिन खा लेते, अभी 25 दिन से मैंने रात को भी खाना नहीं खाया है। बीच बीच में कुछ ना कुछ नया नया अखतरा कर लेते हैं, कभी बिना पानी का ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मगर एक दिन भी नियम नहीं तोड़ा है। आप लोग भी ये नियम ले लें कि भाई हम एक दिन भी नियम नहीं तोड़ेंगे, 1 बजे से पहले पानी नहीं पियेंगे, 2 बजे से पहले पानी नहीं पियेंगे, रात तक एक ही टाइम खाना खाएंगे अगर ज़रूर पड़ी तो ये नियम लेंगे तो 100% आप जिंदगी भर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वजन तो देखो मेरा अभी आज के टाइम में जो कम हुआ वो आपको सामने दिख रहा है, 101 से आगे इतना जो है है। और उसके साथ मेरे को एक सबसे बड़ी बीमारी थी, मेरी कुंडली में लिखी हुई थी कि सर्दी खांसी रहेगी, वो मेरा ज्योतिष ने लिख के दिया था। मेरी कुंडली में आज भी लिखा है कि जीवन भर सर्दी खांसी रहेगी, और सर्दी खांसी ऐसी कि 6 से 9 महीना पूरा ये पूरा मेरा जाम रहता था, पूरा ऊपर का पोर्शन। बाहर बारिश होती थी, कोई भी कुछ भी बहाना हुआ पूरा जाम, सांस अस्थमा हो गया, अस्थमा ऐसा हो गया। मेरे डॉक्टर ने मुंबई में बोल दिया था या तो पंप लो या तो बम्बई छोड़ो, दो ही ऑप्शन है, क्योंकि पूरी रात भर बैठना, पूरा दिन भर काम करना, इतना अस्थमा के कोई हिसाब नहीं है। मेरा अस्थमा आप देखते तो उसको बोलते हो रियल अस्थमा वो था। तो ये अस्थमा भी कहाँ गायब हो गया, सर्दी खांसी कहाँ गायब हो गई? 6 साल होने को आएंगे, 6 साल में एक भी छींक नहीं आई। मतलब ये वो क्या करने को जाते और क्या हो जाता है। पर्टिकुलर ये सिस्टम ऐसी है कि कोई भी बीमारी हो आपको स्वस्थ ही रखेगा, मतलब ये नियम को आप पकड़ रखिए। दूसरी बात ये है, मेरे फार्म में रतन करके एक आदमी थे, ये भी जानते हैं कि हमारे साथ 7 दिन की शिविर रखी थी हमने। उसका बेटे ने एक दिन मेरे को फ़ोन किया कि मेरा पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है तो आप उसको आ जाओ। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलता है हाथ का ऑपरेशन करना है, क्या उसकी 3 ब्लॉकेज है। और बेचारा गरीब आदमी था, वो 50,000 रुपया एडवांस दे दिया था, वो 3 दिन के बाद 4.5 लाख रुपया भर के उसका ऑपरेशन का डेट तय हो गया था। तभी मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, थाना में हॉस्पिटल है, तो मैंने उसको बेचा, वो सब मराठी था वो, और उसको मैंने बोला कि भाई तू ऑपरेशन मत करा, पूरी ज़िंदगी भर तेरा डॉक्टर का चक्कर चालू हो जाएगा और तू चलने फिरने में डॉक्टर कुछ भी होगा डॉक्टर की परमिशन लेने पड़ेगी। इतना समझाया, वो मराठी लोग थे समझते नहीं थे, और वो आगरी टाइप का है, मतलब जो मराठी हो गए उसको जानते होंगे, आगरी बोलते हैं, तो वो नहीं समझा। बाद में मैंने उसको इतना समझाया, दूसरे दिन मैंने हॉस्पिटल से उसको बाहर निकाला, बिलीव नहीं करेंगे, और 8 दिन में उसको मैंने ऑफिस पे काम पे लगा दिया। और 9वें दिन से मैंने बोला अभी एक 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 पहले माले पे जा, दूसरे माले पे जा, 30 दिन में वो 5 माला चढ़ के आ गया, 100% ब्लॉकेज गायब हो गया। उसको मैंने बोला अभी तू चेक करा ले, तो उन्होंने चेक करा लिया, वो डॉक्टर बोलता है कि ये झूठा रिपोर्ट है, या तो आगे वाला झूठा है या तो नया वाला झूठा है। उसके बाद एक मारवाड़ी भी है, वो जो बेचारा वो भंगार बेचने वाला, रदी पस्ती बेचने वाला, वो भी मेरे को पता चला, मेरा पार्टनर ने बोला कि भाई एक मेरा रिश्तेदार है भाई, वो भी उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है विले पार्ले में। तो मैंने बोला उसको पहले हॉस्पिटल से बाहर निकालो तो मैं उसको समझा दूँ। वो हॉस्पिटल से बाहर निकाला, उसका भी बाईपास ख़त्म, मतलब छोटी से बड़ी सर्दी से लेके कैंसर तक की या तो बाईपास जैसी बीमारी का ये इलाज है। थैंक यू वेरी मच।